दोस्तों सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि गदर 2 को रिलीज होने के 22 साल बाद अब गदर 2 के पर्दे पर दस्तक देने के लिए जारी है। इस फिल्म की रिलीज के साथ बिग स्क्रीन पर उसी दिन अक्षय कुमार की OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड की रिलीज होने के लिए जारी। गदर 2 और OMG के क्लैक्स के सवाल पर सनी देओल ने कहा, गदर एक प्रेम कथा है। आमिर खान के लगन ऑन इंडियन के साथ रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता लोग अपनी फिल्म की तुलना क्यों करते हैं, जबकि उन्होंने तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्मों की तुलना दूसरे से बराबर नहीं की जा सकती। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा अधिक कमाई की थी, जबकि लगन में बहुत कमाई की थी। सनी देओल ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों करते हैं तुलना। लोग गदर 2 के कारण वैसी नहीं होती, वह लोग ने सोच लिया कि मसालेदार फिल्म है और पुराने टाइप की पिक्चर है, इसमें पुराने टाइप में गाने होंगे। दूसरे लोग ने सोचा कि लगन में एक फिल्म है, लोग ने गदर को खूब पसंद किया। सनी देओल ने आगे कहा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो ज्यादा अच्छी होती है वो फिल्म अभी तक दूसरी फिल्म में तुलना नहीं हो सकती। जिस चीज की बराबर नहीं होती उसी फिल्म की मत करना, जिन्हें फिल्म की कोई तुलना नहीं होती। और OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। सीक्वल सनी देओल और अनिशा पटेल की गदर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर चक्कर देने के लिए तैयार है। अमित राशि द्वारा निर्देश OMG 2 में अक्षय को भगवान शिव की प्रेरित में किरदार में दिखेंगे। वही अनिल शर्मा द्वारा निर्देश गदर 2 में अनिशा पटेल और सनी देओल मुंह सुर्खियों में बटोर रही है। और उनकी 2001 में फिल्म गदर 2 उनमें बॉलीवुड की इतिहास सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। यही दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 का तुलना देखकर बॉलीवुड गैंग भी बुरा हालत थी। तो दोस्तों अब देखने के लिए बाकी है कि 11 अगस्त को ओ माय गॉड गदर 2 में से कौन हिट होती है।